नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आज के इस बुलेटिन में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। जनपद बहराइच के कस्बा बाबागंज में शादी समारोह की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब द्वार पूजा में नाच रहे बारातियों को एक अनियंत्रित बुलेरो रौंदती हुई निकल गई। इसी भीषण हादसे में एक बाराती की मौके पर मौत हो गई तो वही चार गंभीर रूप से घायल हो गए। वही बुलेरो चालक बुलेरो सहित भागने में कामयाब रहा। इस घटना से कहीं खुशी तो कहीं गम की कहावत चरितार्थ हो गई है। वैवाहिक कार्यक्रम की खुशियां पल भर में गम में तब्दील हो गई। हादसे के शिकार परिजनों में शोक की लहर फैल गई है तो वही मृतक युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना हुई है, तो क्या हुआ? हादसा हुआ, किसी मौत हुई है उसमें? सर एक्चुअली हम लोग डांस कर रहे थे, हमारे दो फ्रेंड की शादी थी, क्लोज फ्रेंड था वो हमारा, तो हम लोग डांस करते हुए रोड पे आ रहे थे कि अचानक से एक ब्लोरो वाली आई, वाइट ब्लोरो थी, नंबर उंबर नहीं देख पाया, अंधेरे का समय था, और वो टक्कर मार के चली गई जिसमें सात लोग घायल हुए। हमारे फ्रेंड खास फ्रेंड की वहीं पर डेथ हो गई रास्ते में, और बाकी जो थे वो वहीं के कर्मचारी कुछ थे जो बैंड बाजा वाले थे, उनको सीरियस हो गए वो लोग। कितने लोग घायल हुए टोटल? टोटल तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो है ये है मुझे सुनने में मिला 7 या 8 लोग, क्योंकि मैं जैसे मेरे फ्रेंड की मैंने बॉडी वॉडी वो देखी थी, हालत अलग, मैं उठा के सीधे हॉस्पिटल चलाया। बरात उसके बाद बरात लखीमपुर खीरी से कहाँ है? ये प्रकाश नगर हाथीपुर रोड से। कहाँ गई थी, मतलब कहाँ घटना हुई है? ये घटना हुई बाबागंज में बहराइच के। एक बारात सड़क पर जा रही थी, एक वाहन जो बोलेरो बताया जा रहा है वो पीछे से आया, और चूंकि शोर शराबा ज़्यादा था, भीड़ हो सकता है सड़क पे भी रही हो, अनियंत्रित होकर वो दुर्घटना हुई। वाहन अनियंत्रित हो गया जिसकी वजह से दुर्घटना हुई, और फिर वो हिट एंड रन हो गया, वह वाहन भाग गया। इस मामले में कुल 5 व्यक्ति घायल हुए थे, इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 4 घायलों का इलाज चल रहा है। अज्ञात वाहन की तलाश जारी है।